अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीज़ा चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका विज़िट वीज़े के बारे में या टूरिस्ट वीज़े के बारे में। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास कोई ट्रेवल हिस्ट्री मौजूद है आपके पास, अगर आप कोई दो तीन कंट्रीज़ का विज़िट कर चुके हैं पहले। और मिसाल के तौर पर आपका थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ है और मलेशिया का या श्रीलंका या दुबई आज़रबैजान, तो ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपका इन पासपोर्ट पर इन कंट्रीज़ के वीज़े लगे हुए हैं तो आपका आसानी से जो है साउथ अफ्रीका का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। तो इतना कोई टफ नहीं है जिस तरह यूरोपियन शेंजन वीज़ा या यूरोप के जो वीज़ेज़ हैं तो वो थोड़ा टफ हैं। उसके लिए एक मजबूत ट्रेवल हिस्ट्री होनी चाहिए और आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका का इतना कोई मुश्किल नहीं है टूरिस्ट वीज़ा लेना, तो ये आपको आसानी से मिल सकता है अगर आपके पास कोई तीन चार कंट्रीज़ के जो है टूरिस्ट वीज़े लगे हुए हैं आपके पासपोर्ट पर। तो आप कोशिश करें कि एक साल में अपना लाजमी कोई ट्रिप लगाएं किसी भी कंट्री का, एक साथ मत लगाएं, इससे आप जो है ना वीज़ा ऑफिसर डाउट में आ जाता है कि इसने ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए तीन चार कंट्रीज़ का इकट्ठे विज़िट किया। साल में एक दफ़ा आप लाजमी जो है ना ट्रिप लाजमी लगाएं। तो अभी शुरू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं साउथ अफ्रीका टूरिस्ट वीज़े के लिए। तो पहले नंबर पर है पासपोर्ट वैलिड 6 महीने, सेम है हर किसी भी कंट्रीज़ के लिए। आप अप्लाई करेंगे तो आपका पासपोर्ट 6 महीने तक जो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 महीने रह गए एक्सपायर होने को तो आप फिर अप्लाई करें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। कम अज़ कम 6 महीने होने चाहिए, 6 महीने बाद आपका एक्सपायर होता है तो फिर ठीक है, अगर 6 महीने से पहले एक्सपायर हो रहा है तो फिर आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो फिर जाके आपका जो है ना डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पर प्रीवियस पासपोर्ट फ़ोटो कापी ऑफ वीज़ा एंड स्टैंप। आपके पिछले जितने भी पासपोर्ट जो एक्सपायर हैं जिसमें स्टैंपें लगी हुई हैं और वीज़े लगे, उनकी फ़ोटो कापी आपने लाजमी अटैच करनी है, उनको फ़ोटो कापी करवा दें। अगर कोई पासपोर्ट गुम हो गया है तो उसकी FIA की जो मिस है कोई पासपोर्ट, तो उसकी रिपोर्ट जो है ना आपने वो साथ अटैच कर देनी है। तो इन तमाम जो है ना पासपोर्टों की जो फ़ोटो कापी जहाँ जहाँ स्टैंप लगी हुई हैं और वीज़े की जहाँ वीज़े लगे हैं उनकी फ़ोटो कापी के साथ अटैच कर देनी है। इससे आपका केस जो है ना और मज़बूत हो जाएगा, तो वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा कि वाकई ये जो है ना एक जेन्युइन टूरिस्ट है। तीसरे नंबर पर आते हैं 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ फ्रेश। आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो किसी भी कलर में हो और बिल्कुल फ़्रेश होने चाहिए, किसी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र से आपने बिल्कुल बनानी है, क्लीन नीट एंड क्लीन। 3-4 महीने के पहले, लास्ट 3-4 महीने के पहले भी हों तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आप फ्रेश बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम आते हैं 4th नंबर पर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने। बैंक स्टेटमेंट जो है ना आपने पिछले 6 महीने की जो है ना वो निकलवानी है बैंक से, और अगर जितने भी आपके बैंक के अकाउंट हैं तमाम बैंकों की जो है ना आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है और बिल्कुल फ़्रेश होनी चाहिए, तकरीबन 5-1 हफ्ते पहले की आपने बनवानी है बिल्कुल। और उसमें जो आपका बैलेंस होना चाहिए वो तकरीबन 5-10 लाख के दरमियान होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका। और उसके बाद आपने मेंटेनेंस लेटर जो है ना वो बनवा लेना है, आपके जितने भी अकाउंट हैं 2 या 3 हैं, तीनों के आपने मेंटेनेंस लेटर बैंक से बनवा लेना है। 5वें नंबर पर आते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवा लेना है और उनके लेटर हेड पेपर पर, और उसमें आपका सारी डिटेल्स होनी चाहिए, नेम, पासपोर्ट नंबर, आपकी सैलरी और कितने अर्से से वहाँ जॉब कर रहे हैं और आपका प्रोफेशनल क्या है, और उसमें लिखा हो क्या हमने इसमें कंपनी अप्रूवल लिखा हो, मेंशन होना चाहिए कि कंपनी इसके जो है ना ट्रिप वेकेशन वो अप्रूव कर चुकी है, और कंपनी की स्टैंप और मैनेजर के साइन भी होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं होटल बुकिंग एंड फ्लाइट बुकिंग। होटल बुकिंग आप किसी भी वेबसाइट से बनवा सकते हैं, agoda.com या booking.com, ये 2 बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं, इसमें आप अपनी बुकिंग करवा लें, फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग हो, नो प्री पेमेंट वाली जो बुकिंग होती है वो बनवा लें, वैलिड होनी चाहिए।
और फ़्लाइट बुकिंग तो आप ट्रेवल एजेंसी से भी ले सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ़्लाइट बुकिंग दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सातवें नंबर पर, कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आपने सारा कुछ अपना मेंशन करना है, आपका नेम, पासपोर्ट नंबर, उसके बाद जो है आपने अपना रिक्वेस्ट लेटर में ये भी लिखना है कि आप कितने दिनों के लिए वहाँ जा रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका कितना होगा, पर्पज़ ऑफ विजिटिंग लिखना है, टूरिज़म, और ये एक सिंपल सा आपने कवरिंग लेटर बनवा देना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने अपने ही लेटर हेड पेपर पर कवरिंग लेटर लिखना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हैं तो आपने अपने ही लेटर पर ये कवरिंग लेटर लिखना है। नंबर एट पर है, आठवें नंबर पर जो है बात करते हैं येलो फेवर सर्टिफिकेट की। ये येलो फेवर सर्टिफिकेट जो है ये आपको किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से ये एक येलो फेवर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ये आप उनसे बनवा लेंगे। और साउथ अफ्रीका विज़िट के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए ये ज़रूरी है, इसके बगैर तो आपका वीज़ा भी नहीं लग सकता। जिस तरह तुर्की के लिए पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर नाइन पर NTN सर्टिफिकेट के बारे में। 200 नेशनल टैक्स नंबर NTN सर्टिफिकेट, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप किसी इनकम टैक्स कंसल्टेंट से बनवा सकते हैं, बिल्कुल 3-4 हज़ार फीस है इसकी, तो ये बहुत ज़रूरी है NTN सर्टिफिकेट, नेशनल टैक्स नंबर। लेकिन ये याद रखना है आपने फ्रेश नहीं देना, आपने बिल्कुल बहुत पुराना सर्टिफिकेट देना है, कम अज़ कम 2 साल पुराना होना चाहिए आपका NTN सर्टिफिकेट, तब आपका वीज़ा जो है ना कन्फर्म लग जाएगा। तो फ्रेश पर आपका NTN सर्टिफिकेट नहीं वीज़ा नहीं लगेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।